जैसे कि आप लोगों को इंतजार था कि नेक्सस की ई व्हीकल्स जो है वो मार्केट में आने वाले हैं, और जैसे कि नेक्सस जाना जाता है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो फ्रेंड्स आज आप लोगों का ये इंतजार ख़त्म होता है। नेक्सस की जो ई व्हीकल्स की रेंज है वो नेक्सस ने इंट्रोड्यूस कर दी है, और बहुत सारे मायनों में ये जो रेंज है ये स्पेशल है। और जो ये स्कूटर आप देखने वाले हैं, नेक्सस की ईवी रेंज जो आप देखने वाले हैं, वो और आप अगर मार्केट में और कंपनियां हैं उनको कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को अन्य कंपनियों के मुकाबले मिलने वाले हैं। तो नेक्सस ने अपने ईवी में अभी दो मॉडल स्टार्ट में लॉन्च किए हैं, और दोनों मॉडल्स की अपनी बहुत सारी विशेषताएँ हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको स्कूटी के पूरे जितने फीचर्स हैं वो सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो जो ईवी का मार्केट है वो भी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है। बहुत सारी इंडियन कंपनियां और बहुत सारी विदेशी कंपनियां मार्केट में जो हैं वो अपनी पहचान बना रही हैं और अपनी पकड़ भी बना रही हैं। अब ई व्हीकल सेगमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि जिसकी वजह से लोगों ने जितनी तेज़ी से ई व्हीकल मार्केट में आए, लोगों ने पसंद किया, पर उतनी तेज़ी से उतना बेस्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो वैसे ही ई व्हीकल का मार्केट जो है वो सडन ड्रॉप हो गया। बहुत सारी कंपनियाँ आईं और कई सारी कंपनियाँ आईं मार्केट में, और उसके बाद में मार्केट से बाहर हो गई। उसके पीछे अगर वजह की बात करें तो वो वजह ये रही कि वो मार्केट में जो अपेक्षाएं थीं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाईं। तो सबसे पहली जो दिक्कत रही वो रही कि वो इम्पोर्टेड पूरे आइटम्स थे उसके अंदर, तो इम्पोर्टेड आइटम में जो है वो ये ध्यान रखा गया कि भाई कम से कम बजट में वो एक आम उपभोक्ता तक एक स्कूटर को पहुँचाया जाए। तो वो कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में जो कंपनियां हैं उन्होंने जो प्रोडक्ट की विश्वसनीयता है उसके साथ में उसकी विश्वसनीयता के जो मापदंड हैं उन पर वो कंपनी पूरी नहीं उतर पाई। इसलिए एक बीच का एक दौर रहा जिस दौर में ई व्हीकल्स की जो मार्केट है वो बहुत ठंडी हो गई। दोबारा से जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं वैसे ही ई व्हीकल का मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुआ है, और अभी ई व्हीकल के मार्केट में बहुत सारे नई कंपनियों ने भी कदम रखा है और बहुत सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो भी ई व्हीकल्स में आई हैं। तो फ्रेंड्स, क्या खास है नेक्सस की स्कूटी में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली खासियत जो है वो नेक्सस की जो ई व्हीकल है उसकी ये है कि इसके अंदर 75% जो हैं वो मेड इन इंडिया ये स्कूटी है। इसके अंदर जो चैसिस है इसका, जो ट्यूब टायर्स हैं, जो इसके रिम हैं, जो इसकी सीट है, जो इसकी बैटरी है, वो 100% जो हैं वो मेड इन इंडिया है। अब इसका जो प्लास्टिक पार्ट है या इसका जो मोटर है वो जो है वो इम्पोर्टेड है, और इसके साथ ही जो इसके चार्ज कंट्रोलर्स हैं वो मेड इन इंडिया है। तो 75% जो है ये स्कूटी जो है वो मेड इन इंडिया है, रिलायबल है, इंडिया के एनवायरमेंट को, इंडिया की सड़कों को ध्यान में रख के ये स्कूटी बनाई गई है। इस स्कूटी का जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि आप अगर ई व्हीकल्स में जाएंगे तो आपको दो मॉडल ई व्हीकल्स के मिलेंगे, एक 48 वोल्ट और एक 60 वोल्ट। मतलब कि अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं तो 12-12 वोल्ट की चार बैटरी लगेंगी या 5 बैटरी लगेंगी। तो ये स्कूटी हम लोगों ने इस तरह बनाई है कि कंपेटेबल है 48 वोल्ट के साथ भी और 60 वोल्ट के साथ भी। मतलब कि आपका 48 वोल्ट आपको लगानी है तो आप 48 वोल्ट लगा सकते हैं, और अगर आपको 60 वोल्ट लगानी है तो 60 वोल्ट की भी बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो 45,000-50,000 रुपये में ऑफ़र कर रही हैं कि भाई 45,000 रुपये में स्कूटी ले लो, 50,000 रुपये में स्कूटी ले लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वो इस तरह की 45,000 और 50,000 की जो स्कूटी हैं उसके अंदर जो बेसिकली उसका फ्यूल है स्कूटी का, वो फ्यूल है उसका बैटरी। तो बैटरी में वो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं जो इस तरह के लो प्राइस में आपको ऑफ़र करती हैं वो उसमें लेड एसिड बैटरी या जेल सेल बैटरी का यूज करती हैं, SMF बैटरी का यूज करती हैं। पर अगर ईवी इंडस्ट्री की आप बात माने तो उसमें ये लेड एसिड बैटरी या जेल सेल बैटरी जो है वो कामयाब नहीं है, और इसीलिए स्कूटर में जो पहले दौर में जो फेलियर्स आए वो इसीलिए आए कि लोगों ने कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में उसके अंदर लेड एसिड बैटरी लगा दी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ई व्हीकल खरीद रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी के साथ में आप ई व्हीकल आप ना खरीदें तो ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब इसके कुछ और फीचर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस स्कूटी के अंदर और क्या क्या खास है। बाकी तो आप अनबॉक्सिंग देख ही रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, इस स्कूटी का जो वेट है वो विदाउट बैटरी जो है वो 65 केजी है, 65 किलो स्कूटी के अंदर वेट है। और इसकी जो मोटर पावर है वो है 1000 वाट, 1000 वाट की मोटर इसके अंदर लगी हुई है, जिसके अंदर जो मैग्नेट है वो 30H का मैग्नेट हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है। जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है, अगर मैं 48 वोल्ट बैटरी के साथ बात करूं तो 175 किलोग्राम है, और अगर मैं 60 वोल्ट की बैटरी के साथ बात करूं तो 200 किलोग्राम का आप वेट इससे इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड आपको 25 से लेकर 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, और जिसके अंदर 3 लेवल का स्पीड जो चेंज विद रिवर्स गियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी स्पीड को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड की कर सकते हैं कि आपको 25 की स्पीड रखनी है या उसमें 30 की स्पीड रखनी है। अब जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसका, उसके अंदर आपको फ्रंट में जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है 180 है उनका, और रेयर में आपको जो है वो ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। अब चूंकि इंडिया की जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो नीट एंड क्लीन सड़कें नहीं होती हैं, थोड़े गड्ढे वाली सड़कें हैं, तो इसके अंदर जो शॉकर्स हैं उसके अंदर फ्रंट में जो है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉकर लगाए गए हैं, और रियर में भी है हाइड्रोलिक शॉकर, और स्प्रिंग प्रेशर जो है वो सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से आपको जो आपका सफ़र है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक हो जाए, और आपको एक लॉन्ग ड्राइव भी आप स्कूटी के साथ कर रहे हैं तो आपको पूरा कम्फर्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब लाइटों की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर DRL जो है लाइट दी गई हैं, और स्मार्ट जो है वो डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। इसके साथ ही जो इसकी जो लाइट हैं वो अनब्रेकेबल हैं, अनब्रेकेबल PC लाइट्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं। जो इसके अंदर हम लोग चार्जर दे रहे हैं वो हाई क्वालिटी माइक्रो चार्जर है विद ऑटो कट है। आप एक बार स्कूटी को चार्ज पे लगा के आप अपने घर पे आराम से सो सकते हैं, जैसे ही बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी ऐसे ही जो चार्जर है वो उसको कट ऑफ कर देगा। अब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आजकल जितनी लेटेस्ट स्कूटी आ रही हैं उनमें सिक्योरिटी फीचर्स भी आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो एंटी थेफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, रिमोट लॉक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और अगर चेसिस की बात करें तो इसके अंदर हाई क्वालिटी का 20 किलोग्राम का चेसिस हम लोगों ने लगाया है, जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है। अब इसके अंदर जो है वो कुछ स्पेशल फीचर्स भी हम लोगों ने दिए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब स्कूटी के माइलेज की आप पूछेंगे कि क्या माइलेज देगी, तो वो आपको एंड में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और स्पेशल फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है हमने फ्रेश ABS जो इंजीनियर प्लास्टिक मॉडल्ड बॉडी है वो बॉडी का यूज किया है। इसके अंदर जो है वो बैटरी आप लिथियम आयन भी लगा सकते हैं और लेड एसिड भी लगा सकते हैं, आप 48 वोल्ट बैटरी भी लगा सकते हैं और 60 वोल्ट बैटरी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो माइलेज की अगर आप बात करें तो इस सेगमेंट की जो सबसे बेस्ट इन क्लास माइलेज है वो आपको इस स्कूटी के साथ में मिलने वाला है, कीलेस आपको एंट्री मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेशल फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए कि भी स्कूटी के अंदर आपको क्या क्या ये फीचर्स मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मैंने जो अनबॉक्सिंग ये वीडियो चलाया था स्कूटी का, उसमें आपने देखा कि इसमें हम दो मॉडल जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, एक इसका मॉडल है विक्टर और एक इसका दूसरा मॉडल है सुमो। तो दोनों मॉडल की अपनी अपनी खासियत हैं, तो दोनों मॉडल के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको ये मिलने वाला है, जो आपको उसका लुक देख रहे हैं वो लुक डिफरेंट है दोनों ही मॉडल्स का। अब बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई इसके अंदर जो माइलेज है वो क्या मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है ई व्हीकल्स का वो उसका माइलेज ही होता है, कि माइलेज कम है साहब, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो आपको माइलेज ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 70 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक का हम लोग आपको इसमें माइलेज ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको 60 से 70 किलोमीटर आपको पर डे का अपना रन करना है तो आप 48 वोल्ट जो है लिथियम आयन की 24H की बैटरी आप इसके साथ ले सकते हैं। अगर आपको 70 से 80 किलोमीटर जाना है तो आप 60 वोल्ट की आप बैटरी ले सकते हैं, 60 वोल्ट 24H की। अगर आपको 100 किलोमीटर प्लस जाना है तो आप इसमें 30H की बैटरी ले सकते हैं लिथियम आयन में। अगर आपको यह है कि 150 किलोमीटर जाना है तो आप 42H की बैटरी आप इसके अंदर ले सकते हैं। सारी बैटरी जो भी आपको जितना भी आपको रनिंग करनी है उस हिसाब से आप जो अपनी बैटरी बता दीजिएगा, उसी हिसाब से बैटरी आप लोगों को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने अब जो बैटरी है वो बैटरी कस्टमर के अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें डाल के आपको देंगे कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से अपनी बैटरी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि स्कूटी की जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर में
जो इसका 70 किलोमीटर का जो रनिंग मॉडल है, जिसके अंदर हम 48 वोल्ट 24 AH की बैटरी हम लोग आपको लिथियम आयन की दे रहे हैं 70,000 रुपये, वो है 70,000 रुपये, 70,000। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी मिल गई, और बैटरी के ऊपर आपको 3 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आप 30 AH की, 32 AH की बैटरी आप ले सकते हैं। आपको 150 किलोमीटर जाना है तो आप हमसे 42 AH की बैटरी ले सकते हैं लिथियम आयन में। तो अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप अपनी बैटरी का साइज़ बढ़ा सकते हैं, और बैटरी की जो प्राइसिंग है, जितनी जैसे साइज़ आप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से बैटरी का जो प्राइसिंग है वो उसी हिसाब से बैटरी का जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगा। अभी जो इसका, ये मैंने आपको बेस मॉडल बताया, और इसके अलावा कंपनी के कुछ और मॉडल्स भी आने वाले हैं। तो जैसे जैसे मॉडल्स आते चले जाएंगे, आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे आप जाके देख सकते हैं, मॉडल्स भी देख सकते हैं और प्राइसिंग भी देख सकते हैं। और ये जो मैंने आप लोगों को प्राइसिंग बताया है, ये इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट मैंने आपको प्राइस बताया है कि लिथियम आयन 3 ईयर्स कंप्लीट वारंटी की बैटरी के साथ में आपको एक बेहतरीन, आपको एक टू व्हीलर इस प्राइस रेंज में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बताने के लिए इस वीडियो में अभी मेरे पास में बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका एक मैं पार्ट टू जो है वो भी आपको बहुत जल्दी रिलीज करूँगा। और आपको स्कूटी को, इसको अभी अनबॉक्स करके दिखाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको चला के फिरा के इसको सारी चीज़ें करके आपको दिखाऊँगा। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।